वेलकम दोस्तों, जाहुल भाई केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। गाइस हमारे पास आई है रॉयल इनफील्ड बुलेट, क्लासिक मॉडल है भाई, 2017-18 का मॉडल है भाई, और अलॉय व्हील लगे हैं। और इसमें गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें देखो दिक्कत क्या है, चाबी को जैसे ऑन करेंगे सेल्फ लेंगे, सेल्फ नहीं ले रही है देखो, ठीक है। सेल्फ लेंगे तो जो न्यूट्रल लाइट है वो बिल्कुल लो हो जा रही है, ठीक है। ये देखिए बैटरी हमने इसमें नई डाल दी है, और इसका हम जो है सेल्फ चेक करेंगे, इसका करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। वेलकम दोस्तों, मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राहुल बाइक केयर। हमारे पास आई है बुलेट क्लासिक मॉडल 350 cc का। इसमें दिक्कत क्या है गाइस, ये सेल्फ नहीं ले रही। अब इसको हम सेल्फ नहीं ले रही, इसको हम चेक कैसे करें, हमारी गाड़ी सेल्फ क्यों नहीं ले रही, बैटरी खराब है हमारा, जो हमारा सेल्फ स्विच है वो काम नहीं कर रहा, या सेल्फ की रिले काम नहीं कर रही, या सेल्फ खराब हो गया। गाइस बिना देरी करे हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आपको नॉलेज दूंगा मैं कि हम आसानी से सेल्फ को कैसे चेक कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर ना जाके हम मिस्त्री भाई भी खुद से ही प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं, वायरिंग से रिलेटिव जो भी वीडियो है, जो भी परेशानी है हम चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिना देरी करे हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सेल्फ लेने पर गाइस चाबी को ऑन करेंगे, जैसे हम सेल्फ लेते हैं इसका, ये देखिए यहाँ कट कट की आवाज़ आ रही है। देखो जो सेल्फ रिले है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब इसका जो सेल्फ का तार है यहाँ देखेंगे हम, जो हमारे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर करंट नहीं आ रहा तो इसके फ्यूज या रिले चेक करेंगे, अगर करंट आ रहा है तो उसको हम चेक करेंगे, फिर हमारा सेल्फ खराब है, सेल्फ को खोलेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमें ये जो है बोल्ट खोलना होगा, या हम इसको भी चेक कर सकते हैं। ये हमें या तो मल्टीमीटर ले लीजिए, या ये चेक करने के लिए बल्ब होल्डर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसको चेक करेंगे हम, तार हटाओ ये वाला, ठीक है, अर्थिंग दो, ये इस पे लगाओ सेल्फ वाले पे, ये हाँ सेल्फ पे लगा दिया, हाँ। ये देखिए एक तार हम लेंगे सेल्फ से जिस पे फेस आता है, ठीक है, और एक अर्थिंग का तार है, इसको हम बॉडी पे टच करेंगे, ठीक है। सेल्फ लीजिए, देखो सेल्फ लेने पे करंट बराबर आ रहा, जब सेल्फ लेओगे पूरा हमारा जो करंट है पूरा आ रहा है, ये देखिए पूरा काम कर रहा है, यानी कि हमारा जो करंट है वो आ रहा है। अब इसका सेल्फ के कारण खराब है या आर्मेचर, सेल्फ को खोल दें, ठीक है। अब फटाफट सेल्फ को खोलते हैं, और सेल्फ खोलने के लिए गाइस हमें ये एक एल्बो होती है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये दो सेल्फ के बोल्ट है 5 नंबर के एनएल के, और ये 10 का, इसको फटाफट निकालते हैं सेल्फ को बाहर। फाइनली हमने सेल्फ बाहर निकाल लिए है, जो इसकी मोटर है इसको हम निशान लगा लेंगे, चिल लगा लेंगे, और फिर इसके बाद हम सेल्फ को खोलेंगे, देखेंगे सेल्फ में क्या कमी है, इसके कारण खराब हो गए हैं, या आर्मेचर खराब हो गया, या इसके अंदर मैग्नेट होती है वो खराब हो गई है, सेल्फ खोल। तो उसके लिए हमें 2 8 नंबर के बोल्ट हैं ये खोलने होंगे, सेल्फ को बिल्कुल अलग अलग करना है 3 पार्टों में। ये देखिए ये 2 बोल्ट खुलते हैं, सेल्फ है इसे देखेंगे कार्बन खराब तो नहीं होगा, ये हमारा आर्मेचर है, ये देखिए कार्बन बिल्कुल सही है, 4 कार्बन होते हैं इसमें, कार्बन हमारे प्रॉपर है बिल्कुल ओके। गाइस ये हमारा आर्मेचर है, ये देखिए आर्मेचर पूरा काला पड़ गया है, ये क्या है, इसमें जो तार होते हैं ये खराब हो गए, फूक गया है सेल्फ हमारा, अभी सेल्फ रिपेयर नहीं होएगा। अब इसको हम न्यू इंस्टॉल करेंगे सेल्फ को, और सेल्फ कौन सी कंपनी का डालेंगे पहले सेल्फ को अरेंज कर दें, तो फिर आपको वीडियो में दिखाएंगे। रोको तो गाइस बुलेट है, हल्की गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टार्ट ना हो धक्का मारने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसमें जो स्टार्टर मोटर है सेल्फ, इसको हम विरोक कंपनी का डालेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल सेल्फ है। अब इसको हम फटाफट से फिटिंग करते हैं, और फिर आपको 1 टच स्टार्ट करके दिखाएंगे, देखेंगे ये गाड़ी जो हमारा सेल्फ की प्रॉब्लम है वो सही हो गई है या नहीं। देखो मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखें भाई,
मेरे मैकेनिक भाई कमेंट जरूर करें या आपने भी कभी सेल्फ नया डाला है बुलेट बाइक में, ठीक है, फटाफट इसको फिटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया इसकी ये कैप खोलनी पड़ती है हमें, यहाँ लगती है, ठीक है। अब हम इसके न्यू सेल्फ को फिटिंग करेंगे फटाफट से एकदम। चलो अब इसके बोर्ड लगाएंगे, एक अर्थिंग का तार लगाएंगे इसका, ये सेल्फ में लग जाएगा तार। और ये जो तार है गाइस हमारा अर्थिंग का तार है, इसको लगाना बहुत जरूरी है वरना सेल्फ काम नहीं करेगा, ठीक है। और अभी फिटिंग कर दीजिए। तो भाइयों देखो हमने न्यू सेल्फ इसमें फिटिंग कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर, इसके बोल्ट टाइट कर दिए हैं एनएलजी के, इसके बोल्ट टाइट कर दिए भाई सारे एनएलजी के। अर्थिंग का तार लगाना बहुत जरूरी होता है और ये फेस का जो तार है वो कार्बन में लगता है यहाँ पर, ठीक है। चाबी को ऑन करेंगे और करेंगे इसको स्टार्ट। देखो भाई बिल्कुल वन टच स्टार्ट है भाई। तो गाइस अब इसको फटाफट से स्टार्ट करेंगे, देखो बिल्कुल वन टच स्टार्ट है भाई बाइक हमारी। तो गाइस जो सेल्फ है कभी भी लोकल ना डालें, विरो कंपनी का डालें या रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन होता है उसको डालें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अच्छी नॉलेज के साथ वीडियो का। थैंक यू।